गुंडों को भाजपा में लाना है, अगर गुंडा बनाना है तो भाजपा को जुटाना है, ये भाजपा का नारा होना चाहिए। अगर आप हमारे सवालों से डर जाते हो तो आपको पत्रकारिता करने का कोई अधिकार नहीं है, बंद कर दीजिए अपनी पत्रकारिता। जिसे जज पे विश्वास ना हो, जिसे देश के संविधान पे विश्वास ना हो, तो भैया वो मुख्यमंत्री बनने के काबिल है, वहाँ पे तो इमरजेंसी लग जानी चाहिए। जहाँ डबल इंजन की सरकार हो और वहाँ की प्रशासन ऐसे हो जाए गोली देख के, तो भैया वहाँ पे प्रशासन की और भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी है या नहीं है, तो उसे कोर्ट सजा देता, कानून सजा देता, भारतीय जनता पार्टी उसे सजा देने वाली कोई नहीं होती। बीजेपी के जितने पत्रकार हैं उनसे नहीं नफरत है, उनकी दलाली से नफरत है। उनकी गाड़ी देश की जितनी भी पुलिस प्रशासन है रोक के चेक कराए कि थैले में कैमरा और माइक के अलावा कहीं हथियार ना निकल आए, 7 लाख वाला। और इस देश में जब तक कानून राज नहीं होगा तब तक ये मून लिंचिंग होती रहेगी, हिंदू मुसलमान को काटते रहेंगे, मारते रहेंगे। जब सामरवती से क्या जरूरत थी लाने की, दोनों भाई अलग अलग जेल में थे, क्या जरूरत थी मिलाने की? अगर ये साजिश नहीं तो और क्या है, ये बात पूछता है भारत। तो उत्तर प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री की भी कोई जगह नहीं है जो कुछ दिन पहले खुद ही माफिया हुआ करता था। भले ही वो आज केस से छुटकारा, उन्हें निजात मिल गई हो, लेकिन अगर ठोक दो वाली सरकार होती तो आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री न रहते, भले ही वो चुनाव जीत के ही जीते हों। जब एक समय पर सदन में बिलबिला रहे थे सभापति महोदय, महोदय मैं इस सदन का सदस्य नहीं हूँ, मैंने इसीलिए अपना घर बार छोड़ा था। अरे महाराज काहे छोड़ा था, किसी ने कहा था घर बार छोड़ दो? जिससे घर ना संभला, जिससे मठ ना सुधरा, वो भैया उत्तर प्रदेश चलाने वाला नहीं है। देख रहे हैं 62 लोगों की लिस्ट आ रही है, तो सारे अब सारे गुंडे। अच्छा 62 लोगों में से कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं और कितने ठाकुर हैं, ये भी तो उस पर ध्यान दो। जातिवाद फैला रहे हैं भाई, जातिवाद वो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? जातीय जनगणना क्यों नहीं करवा देते? करवा दो जातीय जनगणना, उसमें भी क्यों दिक्कत हो रही है फिर? देखिए यहाँ पे मतलब ठाकुरवाद हो गया उत्तर प्रदेश में, पता नहीं क्या सिस्टम से लोग बैठ गए हैं कि सिर्फ चुन चुन के मार रहे हैं। एक चीज बताइए कि सिर्फ पिस्तौल से काम चलेगा? पिस्तौल से काम चलेगा, आप बताओ कि वही अगर 40 साल तक जो पिस्तौल पर काम चलते रहा और उससे जो लोग 40 साल, एक चीज, एक 40 साल तक कानून राज रहा है, कानून राज रहा है, पत्रकार महोदय कानून राज रहा है लोग वहां से, और अब यदि उन्हें भय से मुक्ति मिल रही है, भय से मुक्ति, भैया अब तो और भयभीत हो गए, अब तो और भयभीत हो गए। पुलिस की कस्टडी में जब हम सुरक्षित नहीं है महाराज, तो हम तो आम जनता, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? आम जनता जश्न मना रही है अतीक के हत्याकांड के। आपने मनाया? आपने मनाया? मिठाई बाटी आपने? जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, सुना नहीं शायद आपने? से हो या बीजेपी से हो? अच्छा आप निर्धारित करेंगे हम किससे, और आप बताएंगे हमें? जय श्री राम का नारा कौन पत्रकार लगाता है जो आरएसएस और बीजेपी से मैंने क्या कहा? मैं जय श्री राम का, जय श्री राम, जय श्री राम जश्न मना रहे हैं? मैंने नहीं कहा, मैं कह रही हूँ जिन लोगों ने मीडिया जश्न मना रहे हैं आप भी उसी तरह, मैं फिर वही दलाल बोलूंगा, फिर आप कहोगे मैं जी दलाल नहीं हूँ। आप सवाल नहीं सुनते, यही दिक्कत है। मैं सवाल सुन रहा हूँ, आप जवाब नहीं सुनते हो। और ये जो आप सवाल पूछ रहे हो ना, ये अच्छा सवाल अगर अच्छे आदमी से पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आतंक मुक्त हुआ ना, हम वही तो कह रहे हैं, ये आतंक वाला सवाल एक अच्छे आदमी से ये अच्छा सवाल पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सवाल आपत्ति क्यों हो रही है? ये सवाल अगर जैसा के पापा से पूछा जाए तो ज्यादा सही रहेगा। लोगों को अगर सही जगह पहुँचाना है तो भाजपा को जिताना है। अच्छा गुंडों को भाजपा में लाना है, अगर गुंडा बनाना है तो भाजपा को जुटाना है, ये भाजपा का नारा होना चाहिए। भाजपा ने कहा आप जनता को इतना समझदार नहीं समझते कि वो वोट की चोट से लोगों को हरा सके, वो जानते हैं उनका। 24 में देख लेना, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वो तो 24 में पता चल लेंगे। 24 वोट की चोट ऐसी पड़ेगी भैया, देखिए हम क्या करें कि इतना तानाशाही इन्होंने नहीं कह दी थी, इतना तानाशाही तो मतलब हिटलर से भी ज्यादा तानाशाही करने लगे हैं। अपराधियों को सजा दे रहे हैं। अपराधियों को सजा देने का काम किसका है? कोर्ट का काम है। अगर आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं, कोर्ट बंद कर दीजिए। क्या कोर्ट को देश में कोर्ट की जरूरत है या नहीं? देश में कोर्ट की जरूरत है या नहीं? अरे जज साहब जो डर हुआ, अच्छा एक चीज बताओ, अगर आप हमारे सवालों से डर जाते हो तो आपको पत्रकारिता करने का कोई अधिकार नहीं है, बंद कर दीजिए अपनी पत्रकारिता। 2012 से 17 तक जंगल राज था, योगी आदित्यनाथ का बयान सुना। 2017 से और 23 तक जंगल राज अब कायम हुआ है, कभी विकास दुबे को इनकाउंटर कर दिया जाता है। अरे महाराज कोर्ट है ना फांसी की सजा देने के लिए, संविधान है ना, न्याय है ना। अब आपको किसी पे विश्वास नहीं, जिसे जज पे विश्वास ना हो, जिसे देश के संविधान पे विश्वास ना हो, तो भैया वो मुख्यमंत्री बनने के काबिल है, वहाँ पे तो इमरजेंसी लग जानी चाहिए। उमेश पाल की हत्याकांड पे नहीं याद आया कि कानून है? मैं क्या कह रहा हूँ, अतीक की हत्या पे याद आ रहा है कि अब तो कानून है, अब तो सुप्रीम कोर्ट है? बोलिए बोलिए, अब ये और कुछ बोलना है तो बोल लो, सवालों के जवाब दीजिए, बहकाइए मत। मैडम भटका नहीं रहे, सुनिए, अतीक ने अगर मारा था तो उसे कोर्ट सजा देता। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि अतीक निर्दोष था, मैंने बोला ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ वो अपराधी था, जघन्य अपराधी था, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो कोर्ट देता है। और तुम ठोक दो जी, दो चार लड़कों को भेज दो जी, मार दो जी,
200 रुपए दिहाड़ी दे दो, खुश क्यों है? जनता नहीं खुश है। दो चार लड़के कौन भेजा आप, किस तरह इशारा कर रहे हैं? बीजेपी और आरएसएस के लड़के हैं। जैसे जय श्री राम का नारा लग जाए वहाँ पे बीजेपी और आरएसएस का दाल में काला है। अरे खुलकर बताइए, ये अब देखिए इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। इन्होंने कहा कि अतीक अहमद के हत्याकांड पे अनुराग ओझा है और ये कह रहे हैं कि इसके जिम्मेदार बीजेपी है। मैडम और क्या, एक कैमरे में मैं, एक कैमरा आगे कर लीजिए, सब लोग आगे कर लीजिए और पहचानिए मैं अनुराग हूँ, पूरे होश हवास में बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जहाँ डबल इंजन की सरकार हो और वहाँ की प्रशासन ऐसे हो जाए गोली देख के, तो भैया वहाँ पे प्रशासन की और भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी है या नहीं है बताइए मैडम। प्रशासन भैया, वो पुलिस वाले सही थे जो कुछ समय पहले मुँह से ठाए ठाए करते थे, अरे कहाँ चली गई तुम्हारी पिस्तौल है? सात सात लाख, दलाली मत करिए, 7-7 लाख रुपए की कहाँ से पिस्तौल आ गई बताओ, कहाँ से आ गई मैडम? जिसके छत पे, छत नहीं है घर पे, कहाँ से आ जाती है बता दो आप, उसके पीछे का राज क्या है बता दो आप। प्रशासन को पूछताछ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आज जो दलाली कर रहे हैं टीवी पैनल पे खड़े होकर, सुधीर चौधरी हो या अंजना ओम कश्यप हो, रूप का लियाकत हो, उनको पूछना चाहिए ना कि ये 7-7 लाख का सलाह तीनों के पास कहाँ से आया, जो भारत में बैन है वो कहाँ से आया, ये सारी बात पूछता है। अर्णव गोस्वामी अगर होता, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत, नाचता रहता है भैया, आओ पूछता है भारत कहाँ से आया मसला। अतीक अहमद ने शतक पार कर दिया था आरोप कर कर। मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों साहब मैं क्या कह रहा हूँ, 1 मर्डर करे या 1000 मर्डर करे आरोपी मतलब मारने वाला हत्यारा हत्यारा ही होता है, हैं? होता है नहीं होता है? एक चीटी मार दो या एक आदमी मार दो, आरोप मतलब हत्या तो हत्या होती है ना मैडम, हैं? हत्या तो हत्या होती है, उसने मारा तो उसे कोर्ट सजा देता, कानून सजा देता, भारतीय जनता पार्टी उसे सजा देने वाली कोई नहीं होती है। हिंदू जो आज सीना चौड़ा करके चल रहा है उत्तर प्रदेश में, लोग खुश हैं। भाई साहब देखो, मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हिंदू हूँ, और ये भारतीय जनता पार्टी कहती है हिंदू खतरे में है। मैं हिंदू हूँ, मैं खतरे में हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा, और मैं छाती चौड़ी करके कर चल रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता चल रहा, ये कैसा द्वंद है मैडम? ये द्वंद मुझे समझाइए, ये द्वंद है। अपनी हिंदू हूँ, मैं सनातनी हिंदू हूँ भैया, मुझे द्वंद समझाइए। मैं हिंदू हूँ, मुझे पता नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, और मैं हिंदू हूँ तो खतरे में कैसे हूँ, और मैं खतरे में हूँ तो मेरी छाती चौड़ी कैसे हो गई? आप ये सुनिए, वो कह रहे हैं भाईचारा करते जा रहे हैं, भाईचारा कर करके भाई वो लोग बन रहे, चारा आप लोगों को बना रहे, समझिए जरा। अगर भाईचारा नहीं होता तो पाकिस्तान में बिरयानी खाने के लिए क्या करने के लिए गए थे, हैं? बताइए। इस्लाम का मतलब होता है अमन, भाइयों बहनों मित्रों, मुसलमानों पे टिप्पणी करना बंद करो। अगर भाईचारा वो नहीं था तो क्या था? भाईचारा नहीं था क्या? मोदी जी भाईचारे का पैगाम नहीं बांटते हैं क्या? बताइए आप लोग, कितनी नफरत करते हैं आप मोदी जी से, बताइए। मैडम मोदी से नफरत नहीं है, मोदी की नीतियों से नफरत है, मुझे भारतीय जनता पार्टी से नफरत नहीं है, उनकी नीतियों से नफरत है, और मुझे बीजेपी के जितने पत्रकार हैं उनसे नहीं नफरत है, उनकी दलाली से नफरत है। अरे तो क्या कर लेंगे, अब तो अतीक अहमद हत्याकांड हो चुका है, लोग रामराज की बात करने लगे हैं, आप तो कह रहे हैं पंच मारा है। क्या यही रामराज्य है? यही रामराज्य है? रामचरितमानस के किस श्लोक में लिखा है, किस चौपाई में लिखा हुआ है कि मार दो अतीक को जी? कहाँ पे लिखा है उमेश पाल को मार दो जी? कहाँ पे लिखा है कि उसको कमलेश्वर तिवारी को मार दो? कहाँ पे लिखा है कि अतीक के बेटे को मार दो? बताइए आप, बताइए मैडम। इसका क्या बयान है? पुलिस ने कहा पत्रकार बता रहे थे कि अतीक अहमद से ज्यादा बड़ा बदमाश बनना था, इसलिए अतीक अहमद को उड़ा दिया। अच्छा एक चीज मैडम बताइए, आप पत्रकार हो या नहीं हो? आप पत्रकार, आप बताएंगे, आप बताएंगे मुझे? वो भी तो पत्रकार ही बन के गए थे ना, वो भी तो पत्रकार ही बन के गए थे, तब आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो, मेरे को लगता है कि आपको भेजा गया, आप पत्रकार ही हो ना? आप निर्धारित हो या नहीं, तो समस्या आप निर्धारित करते हैं कि हम पत्रकार हैं या नहीं। अच्छा एक चीज बताइए भैया, जब हमारी जान को खतरा रहेगा, पत्रकार ही बंदूक लेके घूमते हैं थैले में, हम तो कहते हैं जितने भी पत्रकार हैं उनकी गाड़ी देश की जितनी भी पुलिस प्रशासन है रोक के चेक कराए कि थैले में कैमरा और माइक के अलावा कहीं हथियार ना निकल आए, 7 लाख वाला होना चाहिए उनकी भी चेक। पत्रकारों पे आरोप लगा मैडम, पत्रकारों पे तो विश्वास ही नहीं रहा, वो पत्रकार थे, वो तो दलाली वाले ही पत्रकारों की गाड़ी रुकनी चाहिए, सोशल मीडिया ही तो सच्चा मीडिया, हम तो बोलते हैं मैडम। अच्छा चलिए, 5 कारण बता दीजिए जल्दी से आप कि क्यों लगता है कि अतीक के जिम्मेदार बीजेपी है। मैडम एक तो पहला, ये बेटे को मारा बाप को मारने के लिए, दूसरा चारा मिट्टी में मिला देंगे, हैं? मिट्टी में काहे मिला दोगे महाराज, कानून नहीं है का? तो विधानसभा में चर्चाएं तो बहुत हुई थी, अखिलेश यादव ने भी तो टिप्पणी करी थी, यादव ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, टिप्पणियां करी थी या नहीं? होता अगर मिट्टी में मिलाना होता तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ना होते, जयशाह के पापा कुछ समय पहले तड़ीपार हुआ करते थे, हैं? अगर एक ठोक दो वाला शासन होता और सरकार होती तो आज जयशाह के पापा आज यहाँ ना होते, हैं? गृह मंत्री ना बनते। मैडम कानून राज था, और इस देश में जब तक कानून राज नहीं होगा तब तक ये मून लिंचिंग होती रहेगी, हिंदू मुसलमान को काटते रहेंगे, मारते रहेंगे। अच्छा आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, मतलब कांग्रेस की बोली? मैंने कहा कि मैं कांग्रेसी हूँ। अरे कांग्रेस का ये नारा है ना, लोकतंत्र अगर खतरे में है तो देश का एक एक बच्चा बोलेगा, कांग्रेसी हो, भाजपाई हो, या किसी भी पार्टी से
ताल्लुकात रखता हूँ। लोकतंत्र आपको लगता है खतरे में है या नहीं है? अरे मैडम, आपकी जो पत्रकारिता जिसे मीडिया का चौथा स्तंभ कहते हैं वही खतरे में है। पहले अपने आप को संभालिए, बेहिसाब हसरतें ना पालिए। तो अब आप ये बताइए कि अतीक के बाद में आयशा परवीन का, हाँ उसको भी मार दिया जाएगा, मार देंगे महाराज, उसको भी मार देंगे लोग। और फिर उसमें से उनको खोजा जा रहा है, कई कई ठिकानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। देखिए छापेमारी कर रही है, कहीं ना कहीं उसको, उसके पत्नी को भी मार दिया जाएगा महाराज। उसको तो हम कहते हैं राष्ट्रपति मुहिम से कि उसको जेड सिक्योरिटी दिलवा दो अगर वो मिल जाती है तो, नहीं तो उसको। भाई देखिए, मैंने कहा कि उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं तो भैया उसे पुलिस की कस्टडी में ले जाइए, जेल में अगर वो आरोपी है तो भैया कोर्ट साबित करेगा, उसे जेल में बंद कर दीजिए। सिक्योरिटी मार खर्च किया जाए। अरे एक मिनट यार सुनो, तुम सुनते तो हो नहीं। बीच सड़क पे एक महिला को मार दो ये ठीक है, हैं? एक महिला को दौड़ा रहे हो ये ठीक है, बताइए ये कहाँ का कानून है? संविधान में कहाँ पे लिखा हुआ कि महिला को दौड़ो? अरे महिला भी तो है भैया, उसको आप सिक्योरिटी दे दो उसे भैया। आप अगर वो आरोपी है, वो भ्रष्टाचारी, वो गलत है तो उसे कानून सजा देगा ना। सीधे सीधे बोल रहे हैं ना, भ्रष्टाचारियों का, आरोपियों का कोई स्थान नहीं है, कोई जगह ही नहीं है, जगह नहीं है, चाहे वो किसी राम राज में तो नहीं। से आपके सहमत हूँ मैं, इस बात से आपके सहमत हूँ। साध्वी प्रज्ञा जी को आप कीजिए उनका काम, वो भी तो बम के आरोपी है, उनको आप गद्दी पे बैठाते हो साहब, तो होने दीजिए। पत्रकार ने क्या कहा कि आरोप सिर्फ तो कोर्ट करेगा ना। अतीक पर सिद्ध भी हुए हैं सर। मैडम मैंने क्या कहा कि उस पे सिद्ध हुए तो कानून सजा देता ना उसे, और दे भी दिया था उम्र कैद की सजा। सामरवती से क्या जरूरत थी लाने की? दोनों भाई अलग अलग जेल में थे, क्या जरूरत थी मिलाने की? अगर ये साजिश नहीं तो और क्या है? ये बात पूछता है भारत। पुलिस ने कहा कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, बेफिक्र रहिए आप थोड़ा। किस पे? अरे जो भी तिवारी पे, मौर्य जी पे, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। रिमांड पे नहीं भेजा इनको, पहले जेल में ले गए महाराज, वहीं पे कूट देते तबियत से। तब मैं मानता कि तुम कड़ी से कड़ी। अच्छा, अब ये कानून हाथ में लेना नहीं हुआ ये कान। एक चीज बताइए, रिमांड पे लेते हैं तो क्या कहते हैं भैया ये पिस्तौल कहाँ से आई थी, ए भैया किसने भेजा था, ए भैया ये आपको किसने दिया था, अच्छा आपको ये पोज किसने बताया? मैडम एक शूटिंग ये चल रही थी, फिल्मों में जैसे शूटिंग होती है डायरेक्टर सब कुछ समझाता है, ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट इसमें शामिल थे उन्होंने पूरा उनको सिखा के भेजा था, उन्होंने पूरा सिखा के भेजा था कि ये पोज लेना है, इस पोज में तुम्हें मारना है, जब वो गुड्डू मुस्लिम कहेगा तब तुम्हें मार देना है बंदूक की गोली यहाँ पे। भैया हम फिल्मों में, हिंदी मूवियों में देखते थे कि मिथुन चक्रवर्ती साइकिल के पीछे से गोली मारता था, और आज की डेट में आप लोग देख रहे हैं कि ऐसे पत्रकार हो गए हैं जो, वो भैया पत्रकारिता करते हैं हाथ में माइक रहता है और माइक पीछे अच्छा किया गोली मार दो जी, रे कहाँ का कानून है महाराज, ये गलत है। लेकिन उन्होंने नारा भी तो लगाया ना, जय श्री राम। जय, अच्छा एक जय श्री राम, भक्त, जय श्री राम से ही मैडम सिद्ध हो गया कि वो भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जय श्री राम से ही सिद्ध हो गया है। बदनाम करने के लिए नारा लगाया गया था भैया, हम तो कहते हैं माया के दीवानों ऐसा काम न करो, राम का नाम तुम बदनाम न करो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।